नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मानदेय को लेकर अनुदेशक भी परेशान है, शिक्षा मित्र भी परेशान है। कई जिलों में तो जुलाई का भी नहीं मिला, अगस्त का भी नहीं मिला, लेकिन अगस्त का तो पूरे प्रदेश में नहीं मिला है। सितंबर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, दो चार दिन में 26 तारीख हो गई है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, उसके बाद सितंबर का भी ड्यू हो जाएगा। लेकिन सरकार नहीं सोचती है कि आखिर इन अल्प मानदेयी कर्मचारियों का वेतन इतना डिले क्यों कराया जाता है। आप अगर बात करोगे तो जिन अध्यापकों का 70,000 1,90,000 वेतन है, उन्हें अगर महीना 30 तारीख का तो 30 तारीख को अगर अवकास का दिन है तो 29 तारीख को उनके खाते में वेतन क्रेडिट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं छुट्टी की या 31 तारीख की, तो 31 तारीख को क्रेडिट हो जाता है। वहीं जो 9,000 वाले हैं, 1,000 वाले, उनका एक एक दिन गिन गिन के मानदेय दिया जाता है। अगर वो व्यक्ति 28 दिन एपियर है, 28 दिन उपस्थिति है, तो उसका 2 दिन का वेतन काट लिया जाता है। सरकार के इसके जो 2 दिन का वेतन कट जाता है 300 रुपया पर डे, उससे सरकार का करोड़ों रुपया आय हो जाती है। क्या सरकार है आप, करोड़ों लोगों को ऐसे ही पैसे लुटा देते हो, करोड़ों योजनाओं में लॉन्चिंग कर देते हो, लेकिन एक गरीब का 1 रुपया न ले जाए। मैं देखता हूं अक्सर, मैंने देखा है कि गरीब पर जो लोन होता है सरकार का, उसके लिए बहुत जबरदस्ती वसूली होती है, उसे तहसील में भेजा जाता है, उसे तहसील बिठाया जाता है। क्या बड़े व्यापारियों के साथ भी यही सलूक होता है? उनका उतना करोड़ रुपया माफ कर दिया जाता है जितने करोड़ रुपया अगर गांव का किसान का माफ कर दिया जाए तो कई हजार नहीं, कई लाख नहीं, करोड़ों किसान सुरक्षित हो जाएंगे। आज हताश बैठा है अनुदेशक भी, हताश बैठा है शिक्षा मित्र भी, हताश बैठा है। अनुदेशक की तो आज कोर्ट में सुनवाई थी, वो किसी टेक्निकल इशू के चलते 20 तारीख को होगी। तकनीकी अभाव रहा कि केस जाती है, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी। बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी उम्मीद होती है, एक उम्मीदों का साया होता है, और उस उम्मीद पर जब कोई चीज खरी नहीं उतरती है तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारे साथ इस सब पर बातचीत करेंगे कंचन सिंह जी हैं बलिया से, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ अनुदेशक की महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष प्रिया दीक्षित भी है, वो जैसे ही अपना कैमरा ऑन करेंगे हमारे साथ होंगी, जी भी आ जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत महिला शक्ति का, और महिला आरक्षण बिल के पास हो गया, लेकिन क्या प्रिया जी के पास जाऊंगा पहले। प्रिया जी, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, 65% महिलाएं अनुदेशक हैं, क्या प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस बात पर सोचेंगे कि इन 65% महिलाएं जो भूख से मरी जा रही हैं, परिवार टूटने की कगार पर है, जिनके परिवार तलाक के मौके पर पहुंच चुके हैं। कई परिवार सवाल करते हैं, तुम्हें 17,000 मिलते हैं, आप हमें बताते नहीं हो, आप हमें 9,000 बताते हो। कई परिवार हैं जो शादी दूसरे जनपद में हो गई, शादी तीसरे जनपद में हो गई, आज भी वो परिवार टूटने की कगार पर हैं। अनुदेशक अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकता, अपने मन से एक जोड़ी अपने लिए वस्त्र नहीं ले सकता। मैं रोज आए दिन सुनता हूं कोई अनुदेशिका कह रही होती है कि बच्चों को चप्पलें नहीं दिलवा पाई है, फीस नहीं जमा की है, बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए हैं, मेरी सास बीमार है, मैं उन्हें देखने नहीं जा सकती, मेरे पास किराए के पैसे नहीं। आज महिला आरक्षण बिल आ गया है, एक बड़ी तोप दी गई है महिलाओं को, वो लागू कब होगी अभी कोई भरोसा नहीं है किस चीज में लागू होगी, लेकिन क्या महिला जो डूब के मरी जा रही है एक तरीके का, उसका सब कुछ दांव पर लग चुका है, जीवन, परिवार, घर, बच्चे, यही तो है, इसी के लिए तो आप नौकरी में आई थी, और तो कोई मंसूबा होता नहीं है। अगर आपको रोटी खानी होती सादा तो न नौकरी करती, मां बाप ना पढ़ाते, उन्होंने सब कुछ दाव